सो व्हाट्स अप पीपल्स, दिस इज स्पाइडी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ भी नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार सभी जितने भी बंदे हैं सिर्फ वीडियो देख के वापस निकले जा रहे हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो यार, आपके स्पाइडी भाई को अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को बंद करते हैं। दोस्तों हमारी जो पहली ट्रिक है वो काम कर रही है इस वाले हाउस पर। दोस्तों आप सब तो जानते ही होंगे, जब आप पर पूरी की पूरी स्क्वाड पुश कर जाती है तब तो आपके मरने के चांस तो पूरे 100% हो ही जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा हाइडिंग स्पॉट बताने वाला हूँ ना दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आप बहुत ही आराम से छिप सकते हो। जब आपको पता चले कि अब सारी की सारी स्क्वाड छत पर आ गई है तब आप साइड से कल्टी ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो ज़रूर करना यार। दोस्तों अब जो दूसरी ट्रिक है ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी पेट्रोल पंप का जो टेरिस है उस पर आप कैसे चढ़ सकते हो। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो आइस बॉक्स से भी हो जाता है, तब दोस्तों यार अब आइस बॉक्स आपके पास तो हमेशा तो रहता ही नहीं, एक ना एक बार तो ख़त्म हो ही जाता है। तो दोस्तों आप इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करना जो मैं बताने वाला हूँ। आपको धीरे धीरे इसके आगे आगे जाना है और आपको ये जो छोटा सा शेड दिख रहा है इसके ऊपर आपको चढ़ना है। दोस्तों आपको धीरे धीरे आगे जाना है और जब आप इस शेड के पास जाओगे तब आपको यहाँ पे छलांग लगानी है। यहाँ पे छलांग लगाने के बाद आपको यहाँ से स्प्रिंट लॉक करके आप लेज ग्रैप करिएगा यहाँ से, और आप ऐसे छलांग लगा के जब लेज ग्रैप करेंगे तब आप बहुत ही आराम से इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर चढ़ने के बाद अब सामने पेट्रोल पम्प वाला जो ऊपर वाला जो टेरिस है अब उसके ऊपर कैसे जाएँ, तो दोस्तों उसके लिए आपको बस करना क्या है कि आपको थोड़ा सा पीछे जाना है। दोस्तों पीछे जाने के बाद आपको यहाँ से एकदम आपको बस उसके साथ टच नहीं होना है। जब आप छलांग लगाएंगे ये जो आपको आगे रिलिंग्स दिख रही है आपको इसके साथ टच नहीं होना है। तो दोस्तों पीछे आने के बाद आप जब छलांग लगाओगे तो दोस्तों आपको स्प्रिंट लॉक करके यहाँ पे भी अब आपने लेज ग्रैप करनी है। तो लेज ग्रैप करने के बाद देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, लेज ग्रैप करने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड आती है आप बॉट फायर करो, अगर आपके हत्थे स्क्वाड चढ़ जाती है फिर तो समझो आपके जो फिर दो तीन स्क्वाड तो आप आराम से निपटा लोगे, लेकिन दोस्तों जब स्क्वाड आपको स्पॉट कर ले तब थोड़ा फिर संभल के रहना। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक कैसे लग रही है, आपको वीडियो कैसे लग रही है, इस वीडियो को लाइक करना भाई, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसी ही वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलते रहेंगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों ट्रिक नंबर 3 हमारी काम कर रही है प्रिजन पर। दोस्तों यहाँ पे इतना ज़बरदस्त मैं क्या कहूँ यार, ऑसम हाइडिंग स्पॉट मैं आपको बताने वाला हूँ ना। आप जब भी आप यहाँ पे उतरो तो दोस्तों यार आपके पास अच्छी वच्छी लूट होने के बाद आप यहाँ पे आके बहुत ही आराम से छिप सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर ये हाइडिंग स्पॉट मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद जब आप क्राउच हो जाओगे तो जितना अंदर हो सके तब आपको चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जब अंदर चले जाओगे तब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कितना अच्छा कवर तो मिल ही जाता है। अगर आप ऊपर से यहाँ पे नीचे फायर करोगे तो बहुत ही मुश्किल चांस है कि एनिमी आपको नीचे से यहाँ पर स्पॉट कर लेगा। तो दोस्तों अब आप मेरे मैप पर तो देख ही सकते हो, इस वक्त मेरे पर रेड जोन की बारिश हो रही है और मैं यहाँ आके छिप गया हूँ। तो दोस्तों यहाँ अगर आप आके छिप जाते हो और अगर रेड जोन आप पर बरसता है तो दोस्तों ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है आप पर रेड जोन का बिल्कुल भी कोई असर नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ आने के बाद ना मैं आपको स्पेशली रेकमेंड करूँगा कि इस ट्रिक को एक बार तो ज़रूर इस्तेमाल करना। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों अब ट्रिक नंबर 4 भी यहीं पर ही वर्क कर रही है। यहाँ पे आपको ऊपर ये घर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सीधा छलांग जब लगाओगे तब आपको यहाँ पर जंप वाला बटन नहीं दबाना है। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे यार ये ट्रिक तो हमें पहले से ही पता थी। तो दोस्तों यार पहले से तो आपको पता थी लेकिन सबको थोड़ी पता होती है। तो भाई आप यहां से देखो, जैसे मैंने अभी जंप लगाया तो यहां पे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ यहां पे चलेगी। तो दोस्तों यहां पर आप ऐसे छलांग लगा सकते हो, लेकिन अगर आप जंप लगाओगे तो आपकी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो ट्रिक नंबर 5 हमारी काम कर रही है इस वाले हाउस में। दोस्तों यहाँ पर अब एनिमी फर्स्ट फ्लोर पर काफ़ी ज़्यादा बार यहाँ पर कैंपिंग करके बैठा हुआ होता है। तो दोस्तों उसकी कैंपिंग आपको कैसे ब्रेक डाउन करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आपको सबसे पहले इस जगह को चुन लेना है, और इस जगह को चुन लेने के बाद यहाँ पर चढ़कर अब अपने एनिमी को चूना आप यहाँ से लगाओगे। तो दोस्तों ये ट्रिक काफ़ी ज़्यादा ऑसम है।
मेरे को कमेंट में बताना है कि आपको ये ट्रिक कैसे लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना यार। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉरी इस वीडियो को बंद करते हैं।